Good morning to all of you. Let's start the new unit, unit 2. Unit 2 hai aapki design of IIR filters. Means abhi tak humne kya kiya first unit mein. Dekho hum thoda sa ulta chal rahe hain. Ulta kaise? Hum ye maan ke chal rahe hain pehle unit mein ki hamare paas digital filter hai. पहली यूनिट में हमने ये माना कि हमारे पास डिजिटल फिल्टर है. डिजिटल फिल्टर मींस HZ. हमारे पास HZ है और उस HZ को हमें रियलाइज करना है. तो कैसे हम रियलाइज करेंगे ये हमने पढ़ा फर्स्ट यूनिट में. IIR हो या FIR हो, दोनों केस में हमने ये माना कि हमारे पास डिजिटल फिल्टर ऑलरेडी मौजूद है. और अब हम HZ फाइंड आउट करेंगे. मतलब अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि जो हमारा HZ है वही डिजिटल फिल्टर है, फाइनल डिजिटल फिल्टर है जो कि हमें बनाना है, जो कि हमें डिजाइन करना है. और उस HZ को हमने इंप्लीमेंट किया, उसको हमने रियलाइज किया. लेकिन अब हम HZ फाइंड आउट करेंगे अलग अलग FIR के लिए भी और IIR के लिए भी, राइट? सो सेकेंड यूनिट आपकी है IIR फिल्टर डिजाइन. मीन्स अब हमें IIR फिल्टर्स के लिए जो जनरल फिल्टर्स हैं जिसमें फीडबैक यूज होता है, उस फिल्टर के लिए हमें HZ फाइंड आउट करना है. अब आप कहेंगे HZ तो हमारे पास बहुत सारे थे, तो मैं फाइंड आउट कैसे करना है, कहां से फाइंड आउट करना है? तो ऐसा है कि कोई फिल्टर जब हम डिजाइन करने की बात करते हैं तो पहले उस फिल्टर का स्पेसिफिकेशन हमें पता होना चाहिए. जैसे आपने अभी तक बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सब्जेक्ट्स पढ़े, कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी आप सोच रहे होंगे बनाने के लिए. तो मान लो अगर एक छोटी सी सर्किट आपको बनानी है, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर एक पावर सप्लाई बनानी है, तो अगर मैं कहूं कि आप एक पावर सप्लाई बनाना शुरू करो या बनाओ, तो क्या आप तुरंत बनाने में लग जाओगे? या ये क्वेश्चन करोगे कि सर हमें जो पावर सप्लाई बनानी है वो कितने वोल्टेज का बनाना है, उसका पावर रेटिंग क्या होगा, मींस कितने एम्पियर तक वो करंट बेयर कर सकेगा, कितना उसका आउटपुट होगा, कितना उसका इनपुट होगा, बिना इसको जाने आप कैसे पावर सप्लाई बना सकते हो? हमें डिजिटल पावर सप्लाई ही अगर बनानी है तो पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि इनपुट हम क्या ले रहे हैं और जो हम आउटपुट दे रहे हैं वो आउटपुट कितना वोल्टेज है और कितना करंट उसमें से निकलेगा, मींस मैक्सिमम कितना करंट वो बेयर कर सकेगा, इन शॉर्ट उसकी पावर रेटिंग क्या है. ठीक, बाकी रिलायबिलिटी की बात बाद में आती है कि कितना रिलायबल है आपका पावर सप्लाई, उसकी लाइफ कितनी है, ये बाद की बात है. लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन. ऐसे ही जब आप एक फिल्टर बनाने चलेंगे तो फिल्टर बनाने के लिए भी आपको पहले ये पता होना होगा कि कौन सा फिल्टर बनाना है, उसके बाद स्पेसिफिकेशंस क्या है. ठीक, तो उन्हीं स्पेसिफिकेशन से जो बेसिक एलिमेंट्स हैं आपके फिल्टर डिजाइनिंग के लिए, बेसिक नीड्स हैं फिल्टर डिजाइनिंग के लिए, उस स्टेप से हमें HZ फाइंड आउट करना है. ठीक है जी. और जब हम IIR फिल्टर डिजाइन करने की बात करते हैं जिसमें इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स होता है, IIR मीन्स इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स. इसका मतलब कि ऐसा सिस्टम जिसमें अगर हमने इनपुट
इंपल्स दिया। इंपल्स क्या होता है? इंपल्स फंक्शन आप जानते होंगे कि सिर्फ यहां जीरो पर ही इसकी वैल्यू आएगी, बाकी हर जगह इसकी वैल्यू जीरो होगी। जीरो पर इसकी वैल्यू क्या है नहीं कह सकते, जनरली हम वन लेते हैं नॉर्मलाइज्ड करने के लिए। वो जो वन हम लेते हैं वो नॉर्मलाइज्ड वैल्यू होती है, ठीक है। वैसे इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट अ नॉन जीरो वैल्यू होगी। जीरो पर नॉन जीरो वैल्यू होगी। जब हम उसी को नॉर्मलाइज्ड वैल्यू लेते हैं तो हम उसको वन कह देते हैं कि ये कितना है, वन है, ठीक है जी। तो ये इंपल्स फंक्शन जब हम उसके इनपुट पर देंगे तो आउटपुट कैसा होना चाहिए? जहां हमारा इनपुट है बस वहीं पर आउटपुट आना चाहिए, बाकी जगह तो नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर इनपुट हम इंपल्स दें और आउटपुट हमें इनफिनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स मिले तो वो क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पांस। रिस्पांस मींस हमने इनपुट दिया और उसका क्या आउटपुट मिल रहा है, यही क्या है? रिस्पांस। हमने इनपुट दिया इंपल्स, आउटपुट हमें नॉन जीरो टर्म्स मिल रहे हैं, इनफिनाइट टर्म्स मिल रहे हैं, नॉन जीरो टर्म्स। सिस्टम का रिस्पांस कैसा हुआ? इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पांस। इंपल्स रिस्पांस कैसा हुआ? इनफाइनाइट हुआ। और अगर वही जो हमें आउटपुट मिले फाइनाइट लेंथ का, मीन सिर्फ फाइनाइट ड्यूरेशन तक ही नॉन जीरो टर्म्स मिले, बाकी सारे जीरो हो जाएं, तब वो सिस्टम क्या कहलाता है? फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस, FIR। तब हम दो टाइप के सिस्टम्स पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में दो टाइप के डिजिटल सिस्टम्स गिवन है, एक IIR, दूसरा FIR। IIR means infinite impulse response, FIR means finite impulse response, right? Infinite impulse response means जब हमारा इंपल्स देने पर, इनपुट इंपल्स देने पर आउटपुट इनफिनाइट टर्म्स नॉन जीरो आता है, नॉन जीरो टर्म्स आते हैं इनफिनाइट, तो वो क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स। और ऐसा तभी होगा जब वो बार बार अपने को रिपीट करेगा आउटपुट, क्योंकि इनपुट तो हमने एक ही बार दिया या कुछ फाइनाइट टाइम्स के लिए दिया इनपुट, और आउटपुट अगर हमें इनफिनाइट टाइम्स के लिए नॉन जीरो टर्म्स मिल रहे हैं, इसका एक ही मतलब है कि वो अपने ही सिस्टम को रिपीट कर रहा है। जो आउटपुट है वो फिर से इनपुट में जा रहा है, मीन्स फीडबैक लगा हुआ है, तभी आपको नॉन जीरो टर्म्स इनफिनाइट मिलेंगे, ठीक है जी। और अगर ऐसा नहीं है, लूप नहीं लगा है, फीडबैक नहीं लगा है, तो जितना आप इनपुट देंगे उतना ही तो सिस्टम आउटपुट देगा, कहां से लाके देगा, ठीक ना। आप ये जानते हैं कि एनर्जी को ना हम पैदा कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ये जो आउटपुट आ रहा है ये भी क्या है? एनर्जी है। जो इनपुट आ रहा है वो भी क्या है? एनर्जी। तो सिस्टम में जितना इनपुट आएगा उतना ही तो आउटपुट देगा, अगर उसके अंदर इनपुट ही नहीं आ रहा है तो आउटपुट कहां से देगा? नहीं दे पाएगा, और इसलिए बाकी सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। ये केस है FIR का। और अगर वो आउटपुट देता है, सो लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स सिस्टम। फर्स्ट इज इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स सिस्टम। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर किसी सिस्टम में इनपुट इंपल्स दिया जाए और उसका आउटपुट, उसका रिस्पॉन्स इनफाइनाइट टाइम्स नॉन जीरो टर्म्स आए, तो सिस्टम कैसा होगा? इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स सिस्टम होगा, ठीक है। सो व्हाट आर IIR फिल्टर्स and what does IIR means? IIR mean infinite impulse response. The infinite impulse response is a type of digital filter that is used in digital signal processing applications. A filter's job
is to allow certain types of signals to pass and block the rest. The infinite impulse response filter is unique because it uses a feedback mechanism, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई सिस्टम इनफाइनाइट टाइम्स नॉन जीरो टर्म्स दे रहा है फॉर द फाइनाइट इनपुट, इसका मतलब है कि उसमें फीडबैक हो रहा है तभी वो ऐसा कर पा रहा है, अदरवाइज कोई सिस्टम ऐसा कर ही नहीं सकता कि इनपुट ना आए और आउटपुट दे। तो कहीं ना कहीं से तो उसमें इनपुट आ रहा है, चाहे वो आउटपुट घूम कर आए या कोई नॉइज आए, अनवांटेड सिग्नल आए, कुछ भी आ रहा है तभी वो आपको आउटपुट देगा इनफाइनाइट टाइम्स, राइट। इट रिक्वायर्स करंट एज वेल एज पास्ट आउटपुट डेटा। तो करंट आउटपुट डेटा तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन पास्ट आउटपुट डेटा को भी आपको इसमें इनपुट कराना पड़ता है, और इसी काम को हम कहते हैं फीडबैक। दो दे आर harder to design, IIR filters are computationally efficient and generally cheaper. Now, जहां फीडबैक सिस्टम लग जाए वो सिस्टम अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो सिस्टम अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और इसीलिए सिस्टम डिजाइन करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए लिखा है दे आर हार्डर टू डिजाइन, राइट, इसीलिए लिखा है दे आर हार्डर टू डिजाइन। सिस्टम थोड़ा स्लो भी हो जाएगा जब आप फीडबैक देंगे, लेकिन जो कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी है उसकी इंप्रूव हो जाएगी, जो कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी है, जो एक्यूरेसी देने की उसकी कैपेबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे सिस्टम्स कुछ चीपर भी होते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आप फीडबैक नहीं देते तो जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो लगाने के लिए आपको और मैकेनिज्म देना पड़ता, और वो जो आगे मैकेनिज्म आप दूसरे लगाते वो मैकेनिज्म एक तो आपके मेमोरी भी लेते और दूसरे कॉस्ट भी बढ़ाते, ठीक ना। तो इस वजह से जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो उस कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है और मेमोरी को भी लेस कर देता है, ठीक है। यहां आप देख रहे हैं एक ब्लॉक डायग्राम सिंपल सा दिया हुआ है, ये जो HN है, ये जो HN है, ये HN क्या है, ये HN है आपका सिस्टम फंक्शन, ठीक ना। यही आपका एक सिस्टम है जिसको BZ लिखा हुआ है, ठीक है। यहां से इनपुट आ रहा है XN या XZ कह सकते हैं, आउटपुट जा रहा है YN या YZ कह सकते हैं, यही YZ या YN फिर से फीडबैक हो रहा है विद अ सिस्टम एच ए एन, राइट, और ए जेड। तो इस सिस्टम से ये आउटपुट फिर से पास होकर आपके इनपुट में जा रहा है। तो अब ये सिस्टम क्या करेगा उस आउटपुट का, ये इसकी प्रॉपर्टी बताएगा, ठीक ना। इस सिस्टम की जो भी प्रॉपर्टी होगी उसके अकॉर्डिंग ही वो इसमें चेंज करेगा, इस इनपुट में चेंज करेगा, सॉरी इस आउटपुट में चेंज करेगा, और उस चेंज के साथ फिर आपका आउटपुट इनपुट में जाएगा, ठीक, क्लियर है। तो इसी सिस्टम को आप कहते हैं फीडबैक सिस्टम या रिकर्सिव सिस्टम या IIR सिस्टम। मीन्स IIR सिस्टम से आपके रिकर्सिव सिस्टम्स भी होते हैं, राइट। व्हाट इज द इंपल्स रिस्पॉन्स, व्हाई इज द इंपल्स रिस्पॉन्स इनफाइनाइट, इंपल्स रिस्पॉन्स इनफाइनाइट क्यों होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि फीडबैक का काम क्या है,
कि आउटपुट फिर से इनपुट में आता है, तो बार बार आपको इनपुट मिलता जाता है, जब इनपुट बार बार मिलेगा तो आउटपुट आपको बार बार मिलता रहेगा। द इम्पल्स रिस्पॉन्स इज इनफिनाइट बिकॉज देयर इज फीडबैक इन द फिल्टर, सिंपल, क्योंकि फीडबैक लगा हुआ है सिस्टम में, इसलिए इंपल्स रिस्पॉन्स इनफिनाइट है। इफ यू पुट एन इंपल्स एज एन इनपुट, एन इनफिनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज विल कम आउट, राइट। व्हाट इज द अल्टरनेटिव टू आईआईआर फिल्टर? आईआईआर फिल्टर का अल्टरनेट क्या है? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप फीडबैक नहीं लगाएंगे तो उस रिजल्ट को पाने के लिए, सेम रिजल्ट को पाने के लिए आपको अदर मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप अदर मैकेनिज्म लगाएंगे मींस फीडबैक नहीं देंगे तो वो सिस्टम कैसा बनेगा? फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स। दिस इज द अल्टरनेटिव टू आईआईआर एफआईआर, फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स। डीएसपी फिल्टर्स कैन ऑल्सो बी फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स। FIR filters do not use feedback. So for a FIR filter with n coefficients, the output always becomes zero after putting in n samples of an impulse response. मतलब अगर आपने n coefficient का filter लिया है तो आपको n ही non-zero values मिलेंगी, एन ही सैंपल्स मिलेंगे इंपल्स रिस्पॉन्स के, बाकी सारे सैंपल्स जीरो होंगे, ठीक है। दिस इज फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स। व्हाट डू यू मीन बाय फिल्टर डिजाइन? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि फिल्टर डिजाइन में हम बेसिकली करेंगे क्या। फर्स्ट यूनिट में हमने ये माना कि फिल्टर डिजाइंड है, तो क्या था हमारे पास? एच जेड, उसको हमने क्या किया? रियलाइज किया। अब हम इस यूनिट में क्या करेंगे? फिल्टर डिजाइन करेंगे, मतलब क्या फाइंड आउट करेंगे? एच जेड फाइंड आउट करेंगे। एंड व्हाट इज एच जेड? एच जेड इज द सिस्टम फंक्शन और सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन और इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, राइट। तो हमें वही एच जेड फाइंड आउट करना है। जब हम वो एच जेड फाइंड आउट कर लेंगे तो आपका फिल्टर डिजाइन हो गया, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग द ट्रांसफर फंक्शन एच जेड इज कॉल्ड डिजिटल फिल्टर डिजाइन। आफ्टर एच जेड इज ऑब्टेन्ड द नेक्स्ट स्टेप इज टू रियलाइज इट इन द फॉर्म ऑफ अ सुटेबल फिल्टर स्ट्रक्चर, राइट। नाउ एडवांटेजेस ऑफ आईआईआर फिल्टर, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था एडवांटेजेस ऑफ आईआईआर फिल्टर। एक एडवांटेज तो यहां दिख रहा है, इट इज कंप्यूटेशनली एफिशिएंट एंड जनरली चीपर। इट इज कंप्यूटेशनली एफिशिएंट एंड जनरली चीपर, राइट। IIR filters can achieve a given filtering characteristics using less memory and calculation, ठीक ना? मैंने कहा ना computationally efficient means less calculations and less memory means cheaper. जितनी कम मेमोरी लगेगी उतना कम कॉस्ट लगेगा, ठीक। बिसाइड्स दीज एडवांटेजेस देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ एफआईआर, सॉरी ऑफ आईआईआर ओवर एफआईआर। एंड व्हाट आर दीज डिसएडवांटेजेस? आईआईआर फिल्टर्स or systems are more susceptible to problems to finite length arithmetic, such as noise generated by calculations,
एंड लिमिट साइकिल ऑसिलेशंस। जब हम लिमिट साइकिल की बात करते हैं और फाइनाइट वर्ड लेंथ की बात करते हैं तो वहां आपका आईआईआर फिल्टर फेल होता है, मींस फेल कहें या कॉम्प्लेक्स कहें, दोनों लगभग एक जैसी बातें होंगी आईआईआर के केस में, क्योंकि आईआईआर के केस में आप लिमिट साइकिल भी नहीं लगा पाएंगे और फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट को भी पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन यह है कि जो आपका आउटपुट बार बार इनपुट में आ रहा है वो आपके इनपुट को बढ़ाते जा रहा है और आउटपुट को भी बढ़ाते जा रहा है, ठीक है भाई। इनपुट में आके क्या हो रहा है, वो इनपुट के साथ ऐड हो रहा है, तो वो आपके इनपुट को भी बढ़ा रहा है और आउटपुट को भी बढ़ा रहा है। जो डेटा आपके इनपुट में इनिशियली था अब वो उससे बढ़ गया है, और जो डेटा आउटपुट में आना चाहिए था उससे बढ़ गया है। तो हम उसको कहां स्टोर करेंगे, कितनी मेमोरी में स्टोर करेंगे ये नहीं पता, ठीक है। सो दिस इज फाइनाइट वर्ड लेंथ प्रॉब्लम एंड लिमिट साइकिल ऑसिलेशन प्रॉब्लम। यहां पर आपको राउंडिंग करना ही पड़ेगा, राउंडिंग और ट्रंकेशन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, और उससे आपके डेटा में, आपके रिजल्ट में कुछ ना कुछ एरर आएगा। वो क्या है आगे जब हम पढ़ेंगे लिमिट साइकिल ऑसिलेशन एंड फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट, तो वहां पर ये चीज क्लियर हो जाएगी ना। सेकेंड डिसएडवांटेज इज आईआईआर फिल्टर्स आर हार्डर टू इंप्लीमेंट, ये अभी थोड़ी देर पहले देखा था। एंड द थर्ड वन इज आईआईआर फिल्टर्स डोंट ऑफर the computational advantages of FIR filters for multi-rate application. जब हम multi-rate applications करते हैं, decimation and interpolation करते हैं, तो वहां पर थोड़ी problem हमारे पास आती है जब हम IIR filters लेकर चलते हैं, लेकिन उसको भी solve किया जा सकता है, ठीक है। वहां कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है, क्लियर ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईआईआर एंड एफआईआर फिल्टर्स? फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस फिल्टर्स हैव द फंक्शन yn इज इक्वल टू समेशन h j x n माइनस j, सिंपली अ कन्वोल्यूशन सम, डिस्क्रीट कन्वोल्यूशन सम। आप जे को कुछ भी ले सकते हैं, इट डिपेंड्स कि यहां पर जो आपका समेशन है, समेशन के साथ यहां पर जे है, आई है, के है, क्या है, ठीक है। वेयर एज इनफिनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स फिल्टर्स हैव द फंक्शन वाई एन इज इक्वल टू ए आई वाई एन माइनस आई प्लस बी के एक्स एन माइनस के। तो दोनों में आप डिफरेंस देख रहे होंगे, ये जो एफ आई आर है इसमें राइट साइड में सिर्फ एक्स है, एक्स का फंक्शन है, वाई का नहीं है, मीन्स यहां रिकर्शन नहीं हो रहा है। जबकि यहां पे आई आई आर के केस में यहां राइट साइड में इक्वल टू के राइट साइड में वाई का भी फंक्शन है और एक्स का भी फंक्शन है, मतलब यहां पर रिकर्शन है, यहां रिकर्शन है, ठीक है जी। इसी वजह से एफ आई आर फिल्टर्स आर नॉन रिकर्सिव फिल्टर्स, वेयर एज आई आई आर फिल्टर्स आर रिकर्सिव फिल्टर्स। एफ आई आर फिल्टर कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग डायरेक्ट फॉर्म और फास्ट कन्वोल्यूशन मेथड्स लाइक एफ एफ टी एंड हेंस इट इज स्टेबल। FIR फिल्टर्स हमेशा ही स्टेबल होते हैं,
क्योंकि आपने इनपुट फिक्स दिया, आउटपुट आपको फिक्स मिल रहा है, बाउंडेड इनपुट दिया, बाउंडेड आउटपुट मिल रहा है, तो सिस्टम ऑलवेज स्टेबल होना ही है। IIR फिल्टर्स आर ऑफन फैक्टर्ड इनटू प्रोडक्ट और सम, मींस या तो ये कैस्केडेड होंगे या पैरेलल रियलाइजेशन में होंगे ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर सेक्शंस ड्यू टू न्यूमेरिकल कंसर्न्स। FIR फिल्टर्स आर रियलाइज्ड बाय नॉन रिकर्सिव मेथड्स, whereas IIR फिल्टर्स आर रियलाइज्ड बाय रिकर्सिव मेथड्स और फीडबैक मेथड्स। FIR फिल्टर्स हैव लीनियर फेज। जब हम FIR फिल्टर रियलाइजेशन कर रहे थे तो एक रियलाइजेशन हमारा क्या था, लीनियर फेज रियलाइजेशन। तो मैंने आपको बताया था कि लीनियर फेज रियलाइजेशन हम हमेशा उन्हीं सिस्टम का करते हैं जो लीनियर फेज सिस्टम होते हैं, और FIR फिल्टर्स हमारे कैसे होते हैं, लीनियर फेज। ठीक, हम जो डिजाइन करते हैं FIR फिल्टर्स हमेशा लीनियर फेज फिल्टर से डिजाइन करते हैं। सो FIR डिजिटल फिल्टर्स हैव लीनियर फेज, बट IIR फिल्टर्स डोंट हैव लीनियर फेज एंड हेंस आर यूज्ड एट प्लेसेस वेयर फेज डिस्टॉर्शन इज टॉलरेबल। जहां फेज डिस्टॉर्शन टॉलरेबल होगा हम वहीं पर IIR फिल्टर यूज कर पाएंगे, अदरवाइज जहां हमें फेज डिस्टॉर्शन नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, वहां हम IIR फिल्टर्स यूज करेंगे। IIR filters are less susceptible to noise, FIR filters are less susceptible to noise, whereas IIR filters are more susceptible to noise. FIR filters are designed by several methods. First is Park-MacLellan method. Fourier series method, second. Third is frequency sampling or inverse Fourier transform method. Next is window technique, which is more popular technique. आपके syllabus में window technique ही है जिससे आप FIR filter design करेंगे, बाकी और कोई technique filter design की, FIR filter design की आपके syllabus में नहीं है, सिर्फ एक टेक्निक है विंडो टेक्निक, जिसमें आपको पढ़ना है रेक्टेंगुलर विंडो, हैमिंग विंडो, हैनिंग विंडो, बार्टलेट, ब्लैकमैन, केजर, ये इतने विंडोज आपको पढ़ने हैं, राइट। और एक और मेथड है FIR फिल्टर डिजाइन का, मिनी मैक्स और ऑप्टिमल फिल्टर डिजाइन, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है FIR फिल्टर डिजाइन का, ऑप्टिमल फिल्टर डिजाइन ऑप्टिमम मेथड है। IIR फिल्टर डिजाइन करने के लिए बेसिकली क्या है IIR फिल्टर, चूंकि इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पांस फिल्टर्स होते हैं, इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पांस सिस्टम्स होते हैं, तो जहां इनफाइनाइट लेंथ आ जाता है वहां हम डिजिटल में इंप्लीमेंट करने में थोड़े से प्रॉब्लम महसूस करते हैं, वही अगर एनालॉग हो तो एनालॉग फिल्टर्स हमने बहुत डिजाइन किए हुए हैं IIR फिल्टर्स पैरामीटर्स से, फिल्टर स्पेसिफिकेशन से, उन्हीं मेथड्स का यूज करके हम एनालॉग फिल्टर्स यहां भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन करना क्या है, डिजिटल फिल्टर्स डिजाइन करने हैं। तो IIR फिल्टर को डिजाइन करने के लिए, IIR डिजिटल फिल्टर्स को डिजाइन करने के लिए हम एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। वो स्ट्रैटेजी क्या है कि पहले हम एनालॉग फिल्टर बना लेते हैं विद सेम स्पेसिफिकेशंस, और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर लेते हैं डिजिटल फिल्टर्स में। सो वी हैव टू कन्वर्जन टेक्निक्स, फर्स्ट वन इंपल्स इनवेरियंस मेथड एंड सेकेंड वन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन
मेथड, इंपल्स इनवेरियंस मेथड एंड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। जबकि FIR डिजिटल फिल्टर में क्या है कि फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट है और फाइनाइट नंबर ऑफ आउटपुट है, तो उसको हम डायरेक्टली डिजिटली ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, उसको कहीं भी एनालॉग में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, उसको एनालॉग से डिजिटल करने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। उसको हम एज इट इज डिजिटल फिल्टर इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द स्पेसिफिकेशंस। लेकिन IIR के केस में ऐसा नहीं है, IIR के केस में हमें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, यही एक ट्रेडिशनल मेथड चलता आ रहा है डिजाइन करने का। FIR फिल्टर्स रिक्वायर स्टोरेज, मोर स्टोरेज एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन कंपैरिजन टू IIR फिल्टर्स। देर आर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू कंट्रोल द शेप ऑफ देयर मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स एंड रियलाइजेशन एफिशियंसी इन केस ऑफ FIR फिल्टर्स, एंड इन केस ऑफ IIR डिजिटल फिल्टर्स देर आर लेस फ्लेक्सिबिलिटी टू कंट्रोल द शेप ऑफ देयर मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स। And IIR filters often derived from analog filters. Filter design specifications. Filter design specifications. The process of filter design begins with the filter specifications, which include the filter characteristics. लो पास, हाई पास, बैंड स्टॉप, फिल्टर टाइप, पास बैंड फ्रीक्वेंसी, स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी, ट्रांजिशन विड्थ फ्रीक्वेंसी, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एंड द फिल्टर लेंथ। तो इतनी चीजें फिल्टर स्पेसिफिकेशंस में आती हैं, फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। फिल्टर स्पेसिफिकेशन अगर आपसे कहा जाए तो क्या क्या होगा, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स ऑफ द फिल्टर, किस टाइप का आपको फिल्टर डिजाइन करना है, लो पास, हाई पास, बैंड पास और बैंड स्टॉप। उसके बाद पास बैंड फ्रीक्वेंसी कितनी है, स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी कितनी है, ट्रांजिशन विड्थ फ्रीक्वेंसी कितनी है, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है एंड फिल्टर लेंथ कितना है, ठीक है। जब हमें इतनी चीजें पता होती हैं, फिल्टर लेंथ कहो या ऑर्डर ऑफ द फिल्टर कहो, बात बराबर है। जब हमें इतनी चीजें पता होती हैं तब हम कहते हैं कि हमें पूरी स्पेसिफिकेशन मिल गई, अब हम फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं। नीचे एक डायग्राम आप देख रहे होंगे, पास बैंड कौन सा है, ये देखो पास बैंड लिख रहा है, यहां से यहां तक का बैंड क्या है, बैंड मींस फ्रीक्वेंसी रेंज, बैंड मींस फ्रीक्वेंसी रेंज। तो ये रेंज जो कि आपको पास करना है, फिल्टर का काम क्या है, कुछ फ्रीक्वेंसीज को वो पास करता है, कुछ को वो ब्लॉक करता है। तो जो फ्रीक्वेंसीज हमें रिक्वायर्ड हैं उनको हम पास करवाएंगे और जो फ्रीक्वेंसीज हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है उनको हम ब्लॉक करवाएंगे, ठीक है। यही तो काम है फिल्टर का। फिल्टर आप कहें जैसे चाय छानते हो घर में, चाय छन्नी, जब आप चाय छानते हो छन्नी से तो सिर्फ चाय नीचे आती है, बाकी जो उसका मटेरियल है वो सब छन्नी में रुक जाता है। तो छन्नी जो है वो किसको पास कर रही है, उसके लिए पास बैंड क्या है, जितना लिक्विड मटेरियल है वो सब
उसके लिए पास बैंड है, उस पास बैंड में वो सारे लिक्विड मटेरियल पास हो जाएंगे। और स्टॉप बैंड में क्या आएगा, उसके जितना सॉलिड मटेरियल है वो सब क्या आ जाएगा आपके स्टॉप बैंड में, जो छन्नी में रुक जाएगा, जो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो अच्छा छन्नी भी अलग अलग टाइप की आती है, कुछ आती है सिंगल लेयर्ड, कुछ आती है डबल लेयर्ड, कुछ में थिकनेस जो होल होता है उसका होल बड़ा होता है, कुछ में बहुत छोटा होता है। तो फिल्टर टाइप्स भी ऐसे ही हैं, या ये कहें स्पेसिफिकेशंस भी ऐसे ही हैं कि आपको कैसा फिल्टर डिजाइन करना है, कितने मटेरियल्स को आपको निकलने देना है और किसको रोकना है, यही डिसाइड करता है छन्नी। छन्नी में जो मोटाई है उसके छेद की, वही यही डिसाइड करता है। अब उस छेद से जितना मटेरियल मोटा होगा वो उस पर रुक जाएगा, और जो उससे पतला होगा वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, सेम यही केस डीएसपी में फिल्टर्स का है। आपको जितनी फ्रीक्वेंसी बैंड, फ्रीक्वेंसी रेंज पास करानी है, आप सिर्फ उतना ही पास कराएंगे, बाकी को आप पास नहीं कराएंगे। तो ये बैंड आपका क्या कहलाया, पास बैंड। और जहां से ये स्टॉप हो गया वो बैंड क्या कहलाया, स्टॉप बैंड। और इन दोनों के बीच में एक बैंड होता है, पास बैंड और स्टॉप बैंड के बीच में। एक्चुअली ये होता नहीं है, आइडियल केस अगर हम देखें तो सिर्फ पास बैंड और स्टॉप बैंड होता है। ठीक ना, ये एक लो पास फिल्टर का एग्जांपल दिया है, और लो पास फिल्टर एग्जैक्टली ऐसा होता है। तो इसमें कहीं कोई ट्रांजिशन बैंड होता ही नहीं है, ट्रांजिशन में टाइम लगता ही नहीं है, ये आइडियल केस है, जिसमें यहां से यहां तक आपका पास बैंड है और यहां से यहां तक स्टॉप बैंड है। ठीक है जी, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल केस की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल केस में पास बैंड से स्टॉप बैंड आने में कुछ टाइम लगता है। ठीक है, और उस ड्यूरेशन में जितनी फ्रीक्वेंसी पास होती है, जितनी फ्रीक्वेंसी लगती है, वही फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, ट्रांजिशन बैंड। सो ये तो हुए तीन बैंड, पास बैंड, स्टॉप बैंड एंड ट्रांजिशन बैंड, राइट। यहां आपको दिख रहा होगा पास बैंड रिपल। जैसा मैंने बताया प्रैक्टिकल केस में, जैसा आइडियल केस मैंने अभी बनाया था, सॉरी आइडियल केस अभी मैंने आपको जो बनाया था वो इस टाइप का था, कि यहां से ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आई और यहां से स्ट्रेट लाइन ऐसे आ गई। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ऐसा स्ट्रेट लाइन प्रैक्टिकल केस नहीं होता है। प्रैक्टिकल केस क्या होता है कि यहां से जो आपका पास बैंड है, पास बैंड में भी कुछ डेविएशन होता है। ठीक है, जो पास बैंड में डेविएशन होता है उसको आप कहते हो पास बैंड रिपल। और ऐसे ही स्टॉप बैंड में भी आपके डेविएशन होते हैं जिसको आप कहते हो स्टॉप बैंड रिपल। ठीक ना, स्टॉप बैंड अटेन्यूएशन और स्टॉप बैंड रिपल, राइट। एंड दिस डिस्टेंस, ये टॉप से लेकर इसके स्टॉप बैंड के टॉप तक, ठीक ना, डेविएशन के टॉप तक, ये कहलाता है मिनिमम स्टॉप बैंड अटेन्यूएशन। दिस इज मिनिमम स्टॉप बैंड अटेन्यूएशन, दिस इज पास बैंड रिपल एंड दिस इज मिनिमम स्टॉप बैंड अटेन्यूएशन। ठीक है जी, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। आप रेडियो सुनते हो, डिजिटल रेडियो FM,
तो मान लिया 98.3 पर आपका कोई रेडियो चैनल है, तो फिल्टर को तो यही करना चाहिए कि जब 98.3 हो तभी वो आपको वॉइस सुनाई दे, बाकी उसके पहले और उसके बाद में 98.2 और 98.4 पर आपको कोई भी वॉइस, कोई भी सॉन्ग आपको न सुनाई दे। फिल्टर का तो ऐसे ही काम होता है, लेकिन वो आइडियल फिल्टर का काम होता है। जब हम डिजिटल फिल्टर की बात करते, सॉरी, जब हम प्रैक्टिकल फिल्टर की बात करते हैं तो वहां कुछ डेविएशंस आते हैं, पहले भी और बाद में भी रिपल्स आते हैं, पहले भी और बाद में भी। और इसी वजह से अगर 98.3 पर आपको करेक्ट वॉइस सुनाई देती है तो उसके पहले और उसके बाद वाले फ्रीक्वेंसीज पर, एक दो फ्रीक्वेंसीज तक आपको जो है हल्की हल्की वॉइस सुनाई देती है। वहां अटेन्यूएट तो हो गया लेकिन कंप्लीटली जीरो नहीं हुआ। वो कंप्लीटली जीरो अगर हो जाता तो आपको वहां बिल्कुल आवाज नहीं आती, लेकिन चूंकि वो आवाज आती है इसका मतलब है कि वो कंप्लीटली जीरो नहीं है, राइट? जहां पास बैंड खत्म होता है वहां आपका कहलाता है, वो फ्रीक्वेंसी आपकी कहलाती है पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी, और जहां स्टॉप बैंड खत्म होता है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी। और इन सब के ऊपर जो ये ग्राफ आप देख रहे हो, ये ग्राफ किसके किसके बीच में या किस चीज का ग्राफ है? ये आपके फिल्टर का मैग्नीट्यूड ग्राफ है, मैग्नीट्यूड कर्व है। ये जो मॉड ऑफ जी ई रेस टू जे ओमेगा लिखा हुआ है ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फिल्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्पॉन्स है, राइट? और इधर क्या है एक्स एक्सिस पर? फ्रीक्वेंसी। मीन्स ये मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में कर्व है, इस चीज को आप ध्यान रखें कि ये मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच का कर्व है, इसी को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड कर्व, राइट? द सेकेंड स्टेप इज टू ऑब्टेन फिल्टर रिस्पॉन्स एच ओमेगा। पहले हमें फिल्टर स्पेसिफिकेशन चाहिए जो कि इस ग्राफ से मिलेगा, दूसरा फिल्टर रिस्पॉन्स एच ओमेगा हमें फाइंड आउट करना है उस रिस्पॉन्स से, राइट? अच्छा, हम एच ओमेगा ना कह के अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एच एस, एनालॉग फिल्टर, एच एस फाइंड आउट करना है। उस एच एस से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? अगर एच ओमेगा हमारा डिजिटल फिल्टर का फ्रीक्वेंसी है, सॉरी, डिजिटल फिल्टर का रिस्पॉन्स है, तो उस एच एस से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एच ओमेगा। बेसिकली हमें करना क्या है? एच एस फाइंड आउट करना है स्पेसिफिकेशन से, और उस एच एस से हम फाइंड आउट करेंगे एच जेड, विच इज डिजिटल फिल्टर, राइट? थर्ड स्टेप इज टू फाइंड द फिल्टर कोएफिशिएंट एंड एक्सेप्टेबल फिल्टर। एच एस फाइंड आउट करने के बाद आपको फिल्टर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है? एक्सेप्टेबल फिल्टर है आपको बनाना है। एंड द लास्ट स्टेप इज टू इंप्लीमेंट फिल्टर कोएफिशिएंट एंड चूज अप्रोप्रिएट फिल्टर स्ट्रक्चर फॉर फिल्टर इंप्लीमेंटेशन। यही इतना डिजाइन स्पेसिफिकेशन है आईआईआर फिल्टर के केस में, राइट? इसके आगे हम कल चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।